अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम जोशी जुनून में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अजफर खानज़ादा। PSL सीज़न 3 का स्टार्ट, दूसरा जो राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है और आज जो मैच था कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसमें इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस की तरह कुछ अच्छी नहीं रही, जिसमें 135 रन का हदफ दिया है कोयटा ग्लेडिएटर को और अभी तीसरा ओवर जारी है जिसमें 12 रन स्कोर हुआ है। मैच के ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं आपको। सलाउद्दीन हैदर साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल जमील साहब, वालेकुम सलाम। और खालिद महमूद साहब, सर वेलकम आप तीनों को शो में। सबसे पहले खालिद महमूद साहब, आज आपसे आगाज़ करते हैं जी। मैच की जो परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दो चेंज किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज, जिसमें डोमिनी और मिसबाउल हक इन हुए जी जी, और फरहान और रसल को आउट किया जी जी। तो उसके बाद भी हमने देखा आज मिसबा के आने के बाद, हमने सोचा था, ये कहने में आ रहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस शायद हम यूनाइटेड उसकी देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जी जी। लेकिन आज भी वही मायूस कन परफॉर्मेंस रही। वजूहात ये पॉसिबल, हालांकि इस्लामाबाद को स्टार्ट एक हिसाब से लू रॉन्की ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। ये भी बिल्कुल उसी तरह का बैट्समैन है जैसे ब्रेंडन मैकेलम, विकेट कीपर ओपनर है और ये बहुत हार्ड हिटिंग करता है। इसने ऑस्ट्रेलिया से भी खेला है और न्यूजीलैंड खेला है। अब आज भी इसने 26 बॉल पे 43 किए, लेकिन इसको दोबारा दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला और मिसबा और डोमिनी, जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, वो चल नहीं पाए। खास के डोमिनी का जो फॉर्म था वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म वो नजर आया, जैसे वो इंडिया के खिलाफ अभी हालिया T20 सीरीज जो हुई थी उसमें पूरी ओडीआई सीरीज में रन नहीं कर पाए और इसके बावजूद उनको T20 में कप्तान भी बना दिया गया था साउथ अफ्रीका का, जो बड़ी अजीब सी बात थी। और शायद उनको रेपुटेशन के बेस पर इस्लामाबाद ने आज लिया था, जो आपके सवाल, तो वो क्लिक नहीं किए और बल्कि ना सिर्फ क्लिक नहीं किए बल्कि ये ऐसा गैम्बल कर रहे थे, बैकफायर कर गया। T20 क्रिकेट में अगर 26 बॉलों पर कोई 14 रन बना रहा है तो दिस इज वेरी बैड, मतलब इसको कहने में कोई आर नहीं है, मतलब दिस इज़ वेरी बैड पुअर क्रिकेट फ्रॉम इस्लामाबाद। और मिसबा अपने अंदाज से खेलते हैं, 22 रन उन्होंने 25 बॉल पे बनाए, आप उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि रन ए बॉल फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर विकटें गिर रही हूँ दूसरे एंड से। और मिसबा का काम ऐसे भी स्टेबलाइजिंग इनिंग्स खेलते हैं वो, उनको आखिर में चांस नहीं मिल सका। फहीम अशरफ बहुत मुख्तसर टाइम के लिए रहे, लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा, बिल्कुल 21 रन देके इसका क्रेडिट आपको कोयटा ग्लेडिएटर के बॉलर्स को और उनके कप्तान सरफराज को देना पड़ेगा। सरफराज की कप्तानी इस हिसाब से देखें ना पॉजिटिव है। कल भी हमने जाते जाते यही शो में कहा था कि सरफराज की कप्तानी, उसने शारजा में ये मैच हो रहा है, पिच चेंज थी, उन्होंने टॉस जीत के फायदा उठाया क्योंकि अपोजिशन को पहले खिला दिया ताकि उनको ये पता होगा क्या टारगेट। सरफराज को ये देखा सर, हमेशा वो टॉस जीत के कोशिश करते हैं कि वो चेज करें जी जी, तो ये वजह क्या, उनको अपने बैट्समैन पे, अपने मिडिल ऑर्डर पे काफी कॉन्फिडेंस है, जैसे इंडियन टीम को हम देख लें विराट कोहली भी चेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, तो ये मिडिल ऑर्डर पे आप रिलाई कर रहे हैं, इस वजह से आप टॉस जीत के फील्डिंग, मिडिल ऑर्डर पे नहीं इनफैक्ट पूरी बैटिंग पे, वो इसका मतलब आपको बैटिंग पे ट्रस्ट है कि जो भी स्कोर होगा उसको आप चेस कर लेंगे। चेस करना एक और चीज होती है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी, नहीं तो उसने स्कोर है तो क्या कैसे करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होना अपने टीम के बैट्समैनों पे बहुत ज़रूरी है। ये टीम जैसे पाकिस्तान की टीम अक्सर जब खेलती थी पुराने वक्तों में या अभी कुछ अरसे पहले, पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा शेकी रहा करती थी, इसलिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती थी। लेकिन सरफराज का एटीट्यूड ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है कि उसको अपने बैट्समैन पर कमांड है या फिर उनको वो चैलेंज करता है, दोनों चीज़ें हैं ना। अगर यहाँ ये तो 135 रन को इतना बड़ा टारगेट नहीं है, ये अगर 235 होता तो चैलेंज हो जाता, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर की टीम ऐसी है, सरफराज को कॉन्फिडेंस होगा अपनी टीम पे कि वो 135 की जगह 235 भी कर सकते हैं 20 ओवर में। तो सरफराज की टीम को लीड करना, उनके बॉलर्स, उन्होंने अच्छा बैकअप किया, देखिए अनवर अली ने भी सिर्फ 2 ही ओवर किए, उसकी दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शेन वॉटसन चूँकि डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनसे आखिर में बॉलिंग कराई, और जाहिर है ये इस बॉलिंग को सिर्फ मेरे ख्याल से अगर खतरा था तो दो ही बैट्समैनों ने आज इस्लामाबाद के लू रॉन्की और फहीम अशरफ, उन्होंने कुछ हाथ दिखाए, क्योंकि बॉलर भी प्रेशर में जब आता है जब बैट्समैन उसको टेक ऑन करता है, जिस तरह डोमिनी और मिसबाउल खेल रहे थे तो सिंगल रन T20 में तो बैट्समैन इतना प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहे थे वो बॉलर्स पे, बॉलर्स पे, ये तो बॉलर, हम और आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो T20 तो ऐसा होता है अगर सिंगल पे जान छूट गई तो ये तो बहुत कम में छूट गई। अच्छा वॉटसन आउट हो चुके हैं, नहीं अभी हाँ 135 रन का टारगेट मेरा नहीं ख्याल, 12 रन बना के आउट हुए, हालांकि उनको दो बॉल पे 2 दफा आउट हुए, एक दफा नो बॉल हो गई और दूसरी दफा फ्री एट पे आउट हुए। वो जबरदस्त कैच किया वॉल्टन ने, वो एक्चुअली वॉल्टन विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज का, वो विकेट कीपर ओपनर रहा है, तो ये देखा हमने विकेट कीपिंग का उसने थोड़ा सा झलक दिखाया, डाइव मार के कैच मारे जो गोलकीपर स्टाइल में, तो मैच 135 रन कम है मेरे ख्याल से। हालांकि इस्लामाबाद की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है बैटिंग की बनिस्बत, इसमें फिन भी है, रुमान रईस भी है, मोहम्मद समी भी है, इसके अलावा शादाब खान का भी लेग स्पिन बॉलिंग है,
तो बॉलिंग जो है इनका स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन अब 135 रन पे बॉलर्स क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है। इकबाल जमील साहब, बॉलिंग जैसे खालिद महमूद साहब ने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस विकेट पे कितना टोटल होना चाहिए था जो डिफेंड कर सकती इस्लामाबाद यूनाइटेड? असफर, ये मैं बताऊं कि जो क्वेटा जो शाजा की विकेट जो है ना, ये बड़ी मतलब वैसी विकेट नज़र नहीं आ रही है जैसे पुराने ज़माने में हुआ करती थी। आज ये आप ये देखिए कि जो पहली विकेट गिरी है वॉल्टन की, LBW किया वो, इसका नाम क्या, अनवर अली ने, और वो जो बैट्समैन थे पेस की वजह से वो क्रॉस खेलना चाह रहे थे और पेस की वजह से वो बीट हुए और आउट हो गए। दूसरी विकेट गिरी जनाब आसिफ की, वो ग्लांस करना चाह रहे थे राहत अली के गेंद को और गेंद इतनी शार्प आई कि वो उनको मौका नहीं मिला, लेग साइड पे वो ग्लांस करना चाह रहे थे। अच्छा, राहत अली काफी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बॉलर नजर आ रहे हैं इस PSL में, बहुत पेस से बॉलिंग करा रहे हैं और बहुत स्विंग है बॉल में, बहुत गेम करे। और रॉन्ची का जो आउट है, इतना सेट बैट्समैन था, 43 पे खेल रहा था वो, और उसने जो हसन खान की गेंद पे बैकफुट पे जाके, देखिए इस टाइप की विकेट पे जहां आपको ये नहीं पता, आपने खुद भी नहीं खेला होता, इस टाइप की विकेट पे बैकफुट पे जाके खेलना समझ लीजिए सुसाइडल है, अपने आप खुदकुशी कर रहे हैं। और यही हुआ कि वो बैकफुट पे गए गेंद को और गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और वो बोल्ड हो गए बिल्कुल स्टंप्स के साथ। और जो दूसरी बात ये बताऊं कि जो राहत अली ने जब बोल्ड किया ना, बैट्समैन को पता ही नहीं चला, वो इतनी कट हुई गेंद, इतनी आउट स्विंग हुई कि बिल्कुल मिडल ऑफ स्टंप से ले जाके वो लेग स्टंप पे गेंद जाके लगी, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। दूसरी बात यह कि मिसबा ने मेरे ख्याल में यही प्ले उनमें थोड़ा सा वो टाइमिंग का फ़र्क हो रहा था और एग्रेसिव करने की कोशिश की, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शॉट कर लिया, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि शायद ये ओवर द बाउंड्री चली जाए, लेकिन उनमें पावर की कुछ थोड़ी सी बहुत कमी नज़र आई। सरफराज की मैं यहाँ तारीफ करूँगा, सरफराज ने देखिए जब टॉस जीत के आप फील्डिंग करते हैं ना, तो आप मुखालिफ टीम को डरा देते हैं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि यार इसने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की है, क्या इसने विकेट को रीड किया है। सरफराज के लिए जैसी विकेट थी वैसे ही मिसबा के लिए भी थी, और जितने भी कप्तान हैं, रोमांडेज जितने भी रहे, सबके लिए थी। लेकिन ये बोल ये होता है दिल, इसे क्रिकेट कहते हैं कि कप्तान जो है ना वो टीम को लेके अपने साथ चल रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस था उसको कि जनाब मैं ये कर लूंगा। और दूसरी इस इनिंग्स की जो दो डिजास्टर रन आउट हुए ना, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, आई टेल यू ऑनेस्टली, 140 145 50 तक पहुंच सकते थे। ये जो फहीम अशरफ साहब इतना अच्छा सेट खेलते खेलते रन आउट हुए, और दूसरे शादाब खान जो रन आउट हुए, मतलब इसका कोई जवाब नजर नहीं आता था यार, मतलब समझ में नहीं आया ये। और दूसरी बात है कि डोमिनी से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, ही कुडंट डिलीवर दैट प्लेयर, इसलिए कि आपने रियली के जो आपने गेंद को डॉट बॉल्स में कन्वर्ट करके आप उस इनिंग्स को नहीं खेल सके, आगे नहीं बढ़ा सके, जो कि आपकी टीम ने, आपके कप्तान ने आप पे इसका कॉन्फिडेंस किया था, यू डिडंट रिलेट। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच लूज करती है तो कितना प्रेशर में आ जाएगी ये मैच हारने के बाद? भाई वो तो प्रेशर में आए ना आए, लेकिन सरफराज की गुड्डी चढ़ जाएगी अगेन वंस अगेन, इसलिए कि ये बात है, और प्रेशर में आएगी। देखिए लाहौर कलंदर के बाद तमाम टीमें जो हैं चौकन्ना हो गई हैं, हर टीम के जहन में यही सवाल है कि इसलिए कि टूर्नामेंट अब आगे बढ़ रहा है, अभी 3 मैचेस में, स्टिल ये अनसर्टन गेम है, यू डोंट से अबाउट दैट कि क्या चीज़ है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो राहत अली ने गेंद की है ना, बड़ी इमैकुलेट गेंद की है, बड़ी लाइन एंड लेंथ के साथ गेंद की है, और जिस अंदाज से वो, और पिछले 2 मैचेस में भी बड़ी जबरदस्त बॉल की है, बहुत जबरदस्त बॉल की है, और वो पाकिस्तान के लिए एक प्रोस्पेक्ट है। अगर मेरिट पे सिलेक्शन होता है सलाउद्दीन साहब, अगर मेरिट पे सिलेक्शन होता है तो मेरे ख्याल में उसकी टीम में जगह बनती है, इन आउट की, हाँ इन आउट की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे आज ये हैरत थी कि एंड्रू रसल को नहीं खिलाया गया, पता नहीं क्या बात है, वो 1 साल के बैन के बाद आए उन पे, उसका नाम क्या, स्पॉट फिक्सिंग की वजह से ICC ने बैन लगाया था, डोपिंग पे, हाँ डोपिंग पे लगाया था, स्पॉट फिक्सिंग शाहजहां हसन का तो, लेकिन वो पता नहीं खेले क्यों नहीं, आज उनको खिलाना चाहिए था मेरे ख्याल में, आज उनकी जगह, इसलिए कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनमें स्ट्रोक प्लेयर भी है और बड़ा डिफाइंट होकर खेलते हैं, वो मतलब डरने वाले खिलाड़ी नहीं है। बहरहाल वो टीम मैनेजमेंट का फैसला है। क्वेटा की बात करते हैं, क्वेटा की साइड, क्वेटा ने भी 2 चेंजेस किए हैं, रोसो और आर्चर को बिठा दिया आज। अच्छा, हालांकि आर्चर ने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, और जॉन हेस्टिंग और महमूदुल्लाह को इन किया, महमूदुल्लाह को, मेरे ख्याल में कि वो सरफराज शायद कॉम्बिनेशंस को आजमाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस इतना बिल हो गया है कि उनको ये पता है कि जो टीमें सामने आ रही हैं उनका वो मुकाबला कर सकते हैं, चेंजेस उसी वक्त करते हैं। आर्चर को चेंज करने का कोई जवाब नज़र तो नहीं आता, लेकिन उनके जहन में कोई स्ट्रेटजी होगी यकीनन, ही मस्ट बी थिंक अबाउट देन कि अगर आगे जाके मैचेस में कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो इन दोनों को भी आजमा के देख लेते हैं, और ये अच्छी बात है,
यही मैं कह रहा था कि बॉल टू बॉल, मैच टू मैच, यू हैव टू टेक द डिसीजन इन अ वेरी रैपिड स्पेस. आपका ब्रेन जो है वो काम करता रहे. क्रिकेटिंग ब्रेन यही होता है जो डिसीजन लेता है. जो डिसीजन नहीं लेते वो लाहौर कलंदर की तरह हो जाते हैं, जो डिसीजन नहीं लेते. और ये इट इज वेरी वाइट, वो कलंदर हो जाते हैं और फिर वो लाहौर कलंदर हो जाते हैं. बिल्कुल सही बात है कि लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो भाई आपको कप्तान क्यों बनाया गया? आपको यू हैड टू गैम्बल, यू हैड टू गैम्बल. गैरी सोबर्स के मुझे याद है कि उसने एक मरतबा इंग्लैंड को एक टॉस जीत के, मतलब फोर्थ इनिंग चल रही थी, 215 रन का टारगेट था और पूरा दिन पड़ा हुआ था, उसने दे दिया और मैच वो जीत गया. वो इंग्लैंड नहीं कर सके इसके लिए. तो ये एक बड़ी बात है. ये कैप्टन होते हैं जो ब्रेव कैप्टन, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें वही कुछ भी कर सकते थे. एंड दैट्स, और सरफराज में ये बात कल भी हमने बात की सलावन साहब से भी, कि सलावन साहब ने कहा कि वो एक स्ट्रैटेजी से खेलता है, ब्रेव होके खेलता है, इन बॉक्स से आउट होके जाता है. टेक्स्ट बुक क्रिकेट तो भाई, हाँ बिल्कुल, इन बॉक्स उससे बाहर निकल के जाता है, उससे जाता है. और इसीलिए उमर अमीन भी आउट हो गए 6 रन करके. हाँ, उमर अमीन 6 रन पे आउट हो गए. उमर अमीन की परफॉर्मेंस एक डॉट लगा दीजिए आप. 42 पे 2 आउट है, लेकिन बेखल में अभी पीटरसन है और सरफराज खुद हैं, महमूदुल्ला है, दे कैन डिलीवर द थिंग. लेकिन अगर 42 for 2 हैं तो आई थिंक सो 90 रन चाहिए. तो इट ओवर्स कितने हुए, हाउ मच ओवर्स कितने हुए, 4.4 सलाउद्दीन हैदर साहब, आपने कल बोला था कि इस्लामाबाद कमबैक करेगी और इस्लामाबाद अपसेट करेगी आज का मैच. क्या देखते हैं इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस से लगता है? कहा था जी सर, आपने इस्लामाबाद का सपोर्ट किया. मैंने गैम्बल किया था कि शायद अल्लाह ताला उनके साथ दे दे. शायद का एक बहुत बड़ा लफ्ज है. हाँ, उसकी वजह यह है कि देखिए कोई भी टीम जो है उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कभी. सही सही. इस वक्त लाहौर कलंदर सबसे नीचे लगी हुई है, 3 मैच किए, 3 मैच हार चुकी है, पॉइंट कुछ नहीं है. कम बैक कर सकती है किसी भी टाइम, लेकिन किसी टाइम भी वो क्लिक कर जाए तो मैच का सारे पॉइंट टेबल का पासा पलट जाएगा. एक और दूसरी टीमें कब्जा हो जाएंगी, आइंदा हमारे साथ क्या होगा जो नहीं खेली उनके साथ. तीन टीमें तो खेली हैं, 3 टीमें नहीं खेली भी. तो अब दो ये सबसे बड़ी बात है. दूसरी कि शारजा की क्रिकेट विकेट जो है वो बहुत पुरानी विकेट है. उनका क्या नाम था उसका, बुखातर का, के ज़माने में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी वहाँ, और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक्सप्रो था. दूसरी टीमें मारती थी लेकिन पुरानी तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच था. और याद है वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे और एज यूजल ये क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर 4-6 शॉट खेल रहा था. अल्टीमेटली वसीम अकरम ने उसको यॉर्कर किया, बोल्ड कर दिया. तो अब ये देखिए ये ऐसी चीज़ होती है कि नई विकेट. दूसरे कि जो आप डुमनी की बात कर रहे हैं, डुमनी आज ही पहुँचे हैं, ट्रैवल फिटिंग भी होगी उनके ऊपर, आउट ऑफ गेट लैग होगा, शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाए हो इसलिए ना डुमनी. हालांकि दूसरे उनका ये नहीं सर, देखा उन्होंने होम ग्राउंड में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया के अगेंस्ट अभी जो सीरीज चल रही थी उसमें एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं दी. लेकिन फिर भी मेरा ख्याल वो ऑफ कलर शायद उसका बैच पे बैट पैच से गुजर रहे हैं वो. हां ये बैट पैच, दैट्स बेटर. बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज है कि लेकिन आप देखें एक नए खिलाड़ी पे एतमाद करना फिर भी कप्तान का. मिसबाहुल्लाह खुद भी आज पहला मैच खेल रहे थे 3 मैचों के बाद, लेकिन मिसबाहुल्लाह ने जो उनकी आदत होती है कि मैं टीम को स्टेबल करें, मैच को स्टेबल करें, वो उसमें नहीं था. क्या कहते हैं रसल को रेस्ट देना सर आज के मैच के लिए सही था. रसल इन फॉर्म बैट्समैन, कभी भी कुछ कर सकता है. क्रूशियल मैच था, उसको खिलाना चाहिए. ये सवालिया निशान है कि ये गैम्बलिंग भी कह सकते हैं आप, शायद कॉन्फिडेंस, कप्तान का कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो. इसलिए कप्तान का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो फिर कप्तान नहीं टीम खिलाएगा. और वो नए लड़के पर चांस दिया उसने. लेकिन आप यही देखें कि आज शहीम अशरफ ने 13 रन पे 21 रन बना दिए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था. तो 100 ये स्ट्रगल कर रही थी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड. 100 जब घर चल रहा था 17 पे 7 आउट थे और 17-18 ओवर चल रहा था, लेकिन 2 ओवर में उसने काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर लिया. मैच चैलेंजिंग है अभी भी. और जब अगर 42 पे 2 आउट है कोटा के लीडर के पर, अच्छा हमने देखा है दोनों मैचेस जो पिछले हुए हैं उसमें भी फहीम अशरफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो हम उसको अप दी ऑर्डर क्यों नहीं खिला रहे, ऊपर क्यों नहीं चांस दे रहे कि 1 डाउन या 2 डाउन उसको भेज के चेक किया जाए कि किस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहा है, ताकि हम आगे भी मैचेस में उसको यूटिलाइज कर सकें. दिस इज अ करेक्ट पॉइंट, बहुत अच्छा एनालिसिस है ये. बिल्कुल देखो जो लड़का नीचे खेल रहा हो, जैसे सर अभी जो
اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ سائڈ ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے, لاہور جیسی ہو رہی ہے, آپنر چل نہیں رہے ان کے, ون ڈاؤن چل نہیں رہا, مڈل آرڈر پرفارم نہیں کر رہا. فہیم اشرف ایک واحد پلیئر ہے اسلام آباد یونائٹیڈ میں جو رنس کر رہا ہے, تو ہم اس کو اوپر لا کے کیوں نہیں آزما سکتے؟ ٹیم ڈس جوائنٹڈ لگتی ہے, اسلام آباد کی ٹیم مارلائز لگتی ہے, ٹیم مارلائز لگتی ہے, ڈس جوائنٹڈ لگتی ہے, اور اسی لیے فہیم کپتان کو بھی شاید اپنا اعتماد کھو چکا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ لاہور قلندر کے بعد اس کی دوسری ٹیم ہے جو نیچے لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی اس کو, یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس کو آج گیمبل کرنا چاہیے تھا, اصل کو کھلانا چاہیے تھا, نئی 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 کمبینیشن سے کھلانا چاہیے تھا. اور آپ کو واٹ اس کے کیا کہتے ہیں رانچی اور واٹسن والٹن تو صحیح تھے, آصف علی کی جگہ نیچے لے آتے اوپر فہیم اشرف, فہیم اشرف کو تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اسکور کر دیتا اور زیادہ رن اوور تھے اس کو کھیلنے کے لیے ملنے, اور پھر والٹن یا دو میں سے ایک پلیئر تو اس کا ساتھ دیتا نہ کہیں نہ کہیں, تو اس لیے یہ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اندازہ کرنا تھا. لیکن شاید مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کپتان کو لگتا ہے کہ کانفیڈنس اس کو یہی ہے کہ فہیم اشرف کو نیچے کھلاؤ, بولنگ میں استعمال کرو. اچھا ایک بات میں اس لیے بتاؤں, یہ بالکل صحیح ہے, یہ جو اب تک اس ٹورنامنٹ میں جو اسلام آباد یونائٹیڈ جو جیتی ہے ایک میچ جیتی ہے, اور وہ جتانے والا سنگر نینلڈی کھلاڑی تھا حسین طلعت, اس کو وہ خاصا نیچے آتا, اس کو آج آزمانا چاہیے تھا, تھوڑا اوپر لے کے آنا چاہیے, لیکن موقع اس کو نہیں ملا, بہت ڈاؤن دا آرڈر نیچے آیا ہے. جو میچ جیتا تھا اس میں اس کی پرفارمنس آپ کو پتا ہے, اس میچ میں میرے خیال سے انڈرے رسل کو نہ کھلانا اور ڈومینی کو کھلانا یہ بلنڈر ہے, بلنڈر ہے, یہ گیمبل نہیں ہوگا, یہ بلنڈر ہوگا. جیسے صلاح الدین بھائی نے کیا بتایا ابھی, وہ تو آیا ابھی تھا, جیٹ لیگ تھا اور آؤٹ آف فارم تھا, تو اس کمبینیشن میں آلریڈی جب مصباح الحق ایک سالڈ پلیئر موجود ہے جو اننگز کو اسٹیبلائز کرتا ہے, تو دو سالڈ بیٹسمین کے مڈل اوورز میں کیا ضرورت تھی؟ اور جیسے ہم نے دیکھا رن ریٹ اور گرتا چلا گیا, گرتا چلا گیا, یا تو یہاں پہ مصباح کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, یا تو وہ فہیم اشرف کو اوپر بھیج دیں, یا آرام سے چونکہ فورن پلیئرز کے اوپر چار سے زیادہ آپ نہیں کھلا سکتے, تو ڈومینی سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ انڈر ریسل کو کھلاتے, ان کو ایک بیٹسمین بھی مل جاتا اور ایک بالر بھی مل جاتا. تمام جو پنڈت تھے وہ یہ کہتے کہ رسل جو ایک پلیئر ہوگا ان کی طرف سے جو دکھا سکتا ہے, بہت میچ وننگ پاورفل پلیئر ہے, ایکسپلوسیو پلیئر ہے, اور وہ میچ چینجر ہے, اور بالنگ بھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ کرتا ہے, میچ چینجر کے اثر. ایک بات اپنے ناظرین سے میں شیئر کر لوں آپ کی اجازت سے, جو ایک میچ چینجر اور جو آج میچ ونر جو ہم نے صبح آج دیکھا تھا وہ بین اسٹوکس تھا. بین اسٹوک انگلینڈ کی ٹیم میں واپس آیا, آل راؤنڈ پرفارمنس, اور جو آج اس نے پرفارمنس دیا نیوزی لینڈ کے خلاف, 225 رن کا ٹارگیٹ تھا, وہ 13 اوور پہلے انگلینڈ نے بنا لیا. اسٹروکس نے بالنگ بھی اچھی کی, بیٹنگ بھی, تو اس طرح کے جنرل آل راؤنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے آج کل, چاہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو یا 50 اوورز کرکٹ, اور ٹی ٹوینٹی میں تو ضرور ہوتی ہے. تو لہٰذا لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو وہ پلیئرز کو جج کر لیتے ہیں, ان کے جو کوچز ہیں, ان کے جو سلیکٹرز ہیں, وہ جج کر لیتے ہیں, تو ہمارے پلیئرز, ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز اور جج کرنے والے پی سی بی بورڈ میں, وہ کیوں نہیں کر پاتے کہ ایسے پلیئرز کو ہم بنائے؟ نہیں, ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, انکنسسٹنسی آف سلیکشن ایک میجر پرابلم, ڈومیسٹک کرکٹ کو ڈیگریڈ کرنا دوسرا پرابلم. اصل شفیق بھی آؤٹ ہو گئے, 48 پہ 3 آؤٹ ہو گئے, تو اس کا مطلب میچ میں یہ بڑی وائٹل وکٹ گئی ہے. اصل شفیق جو رکے ہوئے تھے تو میں سمجھ رہا کچھ سکور کریں گے, یہ بڑی وائٹل ہے, اب لے دے کے سراز اور پیٹرسن پہ رہ جائے گا, اب یہ 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 اٹ کین بی اے ٹرننگ پوائنٹ. اس لیے کہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں, اس سے پہلے آج ان کے درمیان کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان چھٹا میچ ہو رہا ہے, اس سے پہلے ریکارڈ بکس یہ کہتے ہیں 2016 اینڈ 2017 میں یونائٹیڈ نے 3 میچز جیتے, 5 میچز کھیلے گئے ان دونوں کے درمیان, 3 میچز یونائٹیڈ نے جیتے اور 2 میچز کوئٹہ گلیڈیٹرز, تو ریکارڈ بک جو ہے وہ تو وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے فیور میں جا رہا ہے, اور یہ جو ابھی تیسری وکٹ گری ہے دیٹ کین بی اے ٹرننگ پوائنٹ, دیٹ اوپنز اپ دی گیم, ٹی ٹوئنٹی میں ایسا ہوتا ہے, ایک دو وکٹیں اگر اوپر نیچے گر جاتی ہیں, اب آ کے پیٹرسن اور سرفراز اگر اپنا ایک گیم کھیلیں گے تب تو کوئٹہ کو وہ پار لے جا سکتے ہیں, ان میں سے کوئی اگر ان میں سے کوئی جلدی آؤٹ ہو گیا تو سٹرگل کر سکتا ہے کوئٹہ بھی, مطلب بالکل بالکل نہیں, سٹرگل تو دیکھیں سٹرگل اب شروع ہو گیا ہے, اس لیے کہ 3 وکٹ 48 پہ گر گئی ہے, رن ریٹ کو اتنا بڑا, ایک بیٹسمین اور ہے جس کو محمود اللہ وہ بھی مطلب کر سکتا ہے, لیکن رن ریٹ اتنا اچیویبل تھا, 6.7 تھا, 6.7 از اچیویبل ٹارگیٹ, یار ٹارگیٹ کتنا ہونا چاہیے تھا سر, جو آج کا میچ ٹف ہوتا اور اسلام آباد ٹف ٹائم دے سکتا, 160 کم سے کم اس وکٹ پہ, 150-155 تک, ہاں سو وہ دیٹ وڈ ہیو بین اے ویری انٹرسٹنگ میچ. اچھا اب تک یہ عجیب بات ہے کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں کوئی بہت ہی کلوز فنش میچ نہیں ہوا, 27-5 کراچی کنگز کا ہوا ہے نا سر, کتنا ایک اوور میں جو 3 بالوں پہ 3 رن چاہیے تھے چھکا لگایا, لیکن بہرحال
जितने अब तक क्लिफ हैंगर मांग रहे हैं आखिरी बॉल पे, क्लिफ हैंगर में इस टाइप के जो चीज है ना जो एक्साइटमेंट पैदा करता है, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया सरफराज ने, मोहम्मद नवाज को बैटिंग के लिए भेजा। सरफराज साहब ने यही तो सरफराज की कमाल है कि वो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। अच्छा बैट्समैन है नवाज, अच्छा हिटर है वो, तेज खेलता है। तो अभी अब मतलब तीसरा रन बना लेगा तो काम हो जाएगा। सारी बात ये रिकॉग्नाइज बैट्समैन तो अब केविन पीटरसन ही रह गया, सरफराज है, महमूदुल्लाह, सरफराज हाँ तो महमूदुल्लाह उसको अंडररेट ना करें, वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अच्छा बैट्समैन है। लेकिन बहरहाल जो नाम के हिसाब से अगर देखें जो दहशत होती है फील्ड में ऑपोजिट साइड के लिए, वो नाम ही होता है केविन पीटरसन। अभी ये नाम ही काफी है, अभी वाइटल विकेट है, अभी ये बता देगा। हां वाइटल विकेट है मैच की, वो इसमें पीटरसन पे बहुत बहुत डिपेंड है। और फिर पीटरसन के बाद सरफराज पे होगा, सरफराज अकेले लेकर चलने वाला प्लेयर है, सोलो इनिंग्स भी खेलता है। और मेरा ख्याल लेकिन इस पीएसएल इस सीजन में सरफराज की थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंस हमने नहीं देखा सरफराज। मेरा ख्याल है क्या नहीं उसका, हाँ दबाव, हाँ दबाव, यस ही इज अंडर प्रेशर। जब से न्यूजीलैंड के टूर पे डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान की टीम को, जब उसके बाद सर हमने T20 में देखा बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस थी सरफराज। हम ये डिस्कस कल भी कर चुके हैं, उसके ऊपर ड्रेसिंग रूम में प्रेशर है, उसके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, उसके ऊपर कमेंटेटर्स का प्रेशर है। एक सीरीज हारना वो भी न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, पांच के पांच मैच, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं। आज इंग्लैंड की टीम ने जीता है न्यूजीलैंड को, लेकिन खुद इंग्लैंड के कमेंटेटर भी ये बता रहे थे कि बहुत अरसे के बाद हुआ है कि न्यूजीलैंड में कोई फॉरेन टीम उसने मैच इतने कन्विंसिंगली जीता हो। ऑस्ट्रेलिया भी वहां स्ट्रगल करता है, इंडिया भी वहां स्ट्रगल करता है, हर टीम स्ट्रगल, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की टीम तो इतनी स्ट्रांग थी नहीं, अगर पाकिस्तान ने वहां स्ट्रगल कर लिया और नहीं कर सकी परफॉर्म, लेकिन T20 में तो पाकिस्तान जीत गया। सबसे बड़ी वजह सरफराज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एक सबसे बड़ी वजह खालिद उसकी ये थी कि न्यूजीलैंड में हवा बहुत तेज चलती है, तो कंडीशन ही कहलाती है ना, वेलिंगटन के अंदर, रॉकलैंड के अंदर इतनी तेज हवा चलती है कि बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। दोनों चीजें एलियन थी हमारे लिए, बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, आप अंदर लाएं बॉल बाहर निकल रही होती है, आप कितना बड़ी मुश्किल से हवा, इसलिए कि आकिब जावेद ने कहा था कि हम जब खेल रहे थे हवा को पकड़ना पड़ता है, उसका जुमला ही था जी, कि हवा हवा के खिलाफ आप खेल रहे होते, तो वहाँ कंडीशन बहुत दूसरी थी। सर ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक से वापसी भी हम डिस्कस करेंगे आज के मैच पे, और जो नए प्लेयर्स हैं नेशनल स्टेडियम के हवाले से कि कितनी कैपेसिटी है नेशनल स्टेडियम में, वो डिस्कस करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, और अब तक की जो सूरत हाल है वो जो क्वेटा ग्लेडिएटर है काफ़ी मुश्किलात के सामना कर रही है इस वक्त। 54 पे 3 आउट हो गए आफ्टर 7.4 ओवर्स में, तो क्या कहेंगे खाली इकबाल जमील साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर से। तो ये करेंगे जो इसका नाम क्या एक्सपर्ट है, माशाल्लाह लिखते रहे, आधी जिंदगी इनकी नेशनल स्टेडियम में ही गुजरी है। मैं आपको ये से बता दूं, आधी जिंदगी नेशनल स्टेडियम में गुजरी है और आधी जिंदगी सोते रहे तो ये मतलब ये मुझे ये खालिद भाई मुझे ये बड़ी हैरत हो रही है कि हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद, फजल महमूद, दीज आर द स्टैंड फॉर VIPs, इनका जो टिकट रखी गई इनके ये 12,000 ओनली, मेरे ख्याल में ये इलीट क्लास है, इनकी टिकट 1,00,000 रुपए होने चाहिए था, एंड दे कैन अफोर्ड इट। मतलब पाकिस्तान में कराची में ऐसे लोग हैं, दे कैन अफोर्ड इट। नीचे आप आए, नीचे के जो पांच स्टैंड हैं वो जनरल्स का है, उसमें 1,000 का टिकट रखना बहुत ही गरीब लोग आते हैं। मेरे अपना ख्याल है कि ये ज्यादा इसमें बड़ा कितने का होना चाहिए था टिकट, 500 बस, ठीक है, इट्स ओके, अफोर्डेबल है, 300 स्टूडेंट्स का कहां है, स्टूडेंट्स का कोई डिस्काउंट नहीं है, स्टूडेंट का नहीं है। और दूसरी एक बात जो मुझे बड़ी अजीब लग रही है, देखें ये सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, स्पेशल चिल्ड्रन का है 8,000 रुपए, स्पेशल चिल्ड्रन का 8,000 रुपए टिकट, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इंक्लूजर का नाम हो सकता हो, नहीं अब उसमें लिखा हुआ है स्पेशल चिल्ड्रन इज हियर प्रीमियम 8,000 रुपीज, नहीं उसका नाम होगा कायद, इससे क्या मतलब हो सकता है, कायद दूसरा इंक्लूजर है, अरे उसी वही कह रहा हूँ प्रीमियम में, तो कायद से क्या मुराद हो सकती है, तो नाम है, अब इमरान खान को भी प्रीमियम में रखा है, ज़हीर अब्बास प्रीमियम में, अच्छा दूसरी बात ये इमरान कासिम को जनरल क्लास में रखा है, दूसरी बात ये है कि ठीक है आपने सेलिब्रिटीज को जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जिन्होंने नाम किया पैदा के लिए उनके लिए ठीक है आपने व्यार, कायद के नाम को आपने प्रीमियम में रखा हुआ है क्यों भाई, कायद के नाम फाउंडर ऑफ द नेशन के नाम पे है ना, या तो कायद आजम होता है, या कायद आजम होता है, ये कायद व्हाट डू यू मीन बाय कायद, ये एक नाम नहीं है ना, इसमें कोई भी कायद ऐड कर देंगे, लेकिन कायदे मिल्लत भी हो,
اور قائد اعظم بھی ہوں, مطلب واٹ کوئی بھی ہونا چاہیے, یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. سلاحدین صاحب, سلاحدین بھائی آپ کیا یہ آپ کیا کہیں گے, یہ قائد اعظم کے انکلوجر کا انہوں نے 8,000 ٹکٹ رکھا ہے, وی آئی پی کا انہوں نے 12,000 رکھا ہے. سلاحدین صاحب آج تھکے ہوئے, اگر وی آئی پی کے انکلوجر کو آپ 25,000 بھی کر دیتے تو پھر بھی وہ اشرافیہ دیکھنے آتی. میں نے کہا نا 1,00,000 روپے ہونا چاہیے, لیکن جنرل کا 1,000 روپے نہیں ہونا چاہیے, نیچے 1,000 روپے سے کم کر کے 250-300 کر دینا چاہیے. ابھی بھی نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا یار, سب سارے تو 5 جنرل انکلوجر میں لوگ آئیں گے, 250-300 روپے دور سے 500 روپے نہیں کریں گے. آپ کو میں یہ بتا دوں, یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کہیں گے یہ وی آئی پی جتنے ہیں نا ان میں کوئی ٹکٹ خرید کے نہیں آئے گا, سب پاسز پہ آئیں گے, کارپوریٹ پاسز ہوں گے, سب کے ہواریاں نیشنل اسٹیڈیم کے سی سے پی سی بی دے آل بی کمنگ لائک دیٹ. یہ سب ہاری ہواری کمال ہے, صرف غریبوں سے, جنہوں نے کرکٹ کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی, سنی بھی نہیں ہوگی, بیگمات ہوں گی, بیٹیاں ہوں گی, بیٹے ہوں گے, چلے آ رہے ہیں جناب, اللہ گلا ہے, میلا موج میلا. کرکٹ دیکھنے والا بےچارا ہے وہ جنرل اسٹینڈ میں بیٹھا ہوگا, جس کو 15,000 لوگ ہیں, 15,000 لوگ ہیں, ہاں 15,000 جنرل انکلوجر میں 15,000 انہوں نے. ٹوٹل کیپیسٹی کیا ہے؟ ٹوٹل ہے 32,000 جو یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ حیران کن بات ہے سلاؤدین صاحب, ہاں جب 96 کا ورلڈ کپ ہوا تھا تو 34,000 سمتھنگ تھا, 87 میں بھی یہ, اب اس پہ 1.5 روپے بھی خرچ کیا نا, کچھ ٹیمیں دیکھو سر, سیکیورٹیز اور یہ سب چیزیں ملا کے توڑ دی ہوں گی نا. نہیں نہیں, لیکن 34,000 ہو سکتا ہے, 1.5 روپے کا آپ خرچہ کر رہے ہیں, ایکسپنس کر رہے ہیں, سیٹیں بڑھانی چاہیے, کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, کیپیسٹی بڑھانی چاہیے تھی, بالکل صحیح بات ہے. جب آپ 1.5 روپے, 1.5 روپے از اے سبسٹینشل اماؤنٹ, اس میں تو نیا اسٹیڈیم بھی بن سکتا تھا. چلو آپ اسٹیڈیم نہیں بن, اس کو آپ رینوویٹ کر رہے ہیں, سیٹس بڑھانی چاہیے سر. وہ تو ابھی جب وہ اسٹارٹ ہوگا, میچ ہوگا, وہاں تو ہم ڈیسائڈ کر سکیں گے, دیکھ سکیں گے کہ اسٹیڈیم میں ایسا کیا لگا ہے. 1.5 روپے ہی بات ہے, اور دوسری بات ہے پلینگ ایریا جو ہے نا اس پہ کنڈیوسو ہونا چاہیے, وہ ایڈوکیٹ اچھی ہونی چاہیے, لیس گرین فیلڈ ہونی چاہیے, آف فیلڈ بھی, اور اس کے علاوہ 1.5 روپے میں کیا کرسیاں آئیں گی, کیا آئے گا سر, وہی نا ٹوٹ رہی ہیں چھتیں, بن رہی ہیں, بنائیں گے چھتیں, بنائیں گے چھتیں, ٹوٹ رہی ہیں سر, وہ پورے اسٹیڈیم کی چھت ہو جائے. ایک سوال, سلاؤدین صاحب چونکہ خود ایک منسٹر رہے ہیں تو ایک دیکھیں بات یہ ہے, جب یہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو یہ پبلک انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے سر, اس میں اتنا مہنگا ٹکٹ کیسے رکھے جا سکتے ہیں, 1,000 روپے کا جنرل. سر جب آپ منسٹر بنے تو آپ نے کیوں نہیں کام کروایا؟ میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں کرکٹ گراؤنڈ پہ. لیکن نہیں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, اندازہ لگا لیجیے گا آپ. میں منسٹر تھا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. اسٹیٹ بعد گورنر تھے, آئی جی کمال صاحب تھے, جی جی جی. ایک فورن ٹیم آئی انکوائری کری کہ پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے کہ نہیں, ان کی ٹیم اس کو رینجرز لیے سنگینوں کے سائے میں گھومتے رہے, تمام پولیس پیرا لگا دیا گیا, سڑک کنٹری کلب روڈ بند کر دی گئی, وہ کیا امپریشن لے کے گئے ہوں گے, تو یہ تو فوجی علاقہ ہے تو جنگ ہو رہی ہے. پھر میں نے اس میں اسپیچ میں کہا, وہ جو سینٹ کے چیئرمین تھے, نہیں نہیں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ بھی آ چکے تھے, وہ محمد سمر صاحب, یہ کھڑے ہوئے تھے, میں اسپیچ کر رہا تھا. یہ ایک طارق تھا ایک لڑکا, اس کی کتاب کی لانچنگ تھی. میں نے اسپیچ, میں نے کہا میں توقیر رجاء سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ معافی مانگے. یہ آئی جی صاحب کو پتا تھا, اس نے کہا نہیں صاحب, کسی کو انفارم نہیں کیا, آپ نے جا کے دکھایا کراچی سے میچ باہر چلا جائے. تو یہ شرارتیں, یہ تعصب ہم سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. کراچی کا اتنا بڑا کھلاڑی ہے, ہم نے کبھی تعصب کیا؟ وقار حسن یہاں سے کھیلے, ظہیر عباس یہاں سے کھیلے, محمود حسن, محمود خان, شاہد آفریدی یہاں سے کھیلے, شاہد آفریدی یہاں سے کھیلے, یونس خان یہاں سے کھیلے, محمود حسن یہاں سے کھیلے, سب ہم نے کبھی تعصب نہیں کیا یہاں پہ. کراچی کا کیپنگ کرتا رہا یہاں پہ, تو آپ بتائیے. انتخاب عالم یہاں سے کھیلا سر, انتخاب عالم تو کھیلتے پڑھتا ہی ہیں, پڑھتا ہی تھا انتخاب افتاب پڑھتے تھے, سب یہیں کے پڑھتے. تو اس کے بعد معافی مانگی؟ کہاں معافی مانگی جی, کس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. توقیر جانے والے کے ایک صاحب سے کہا کہ سلاؤدین صاحب کون ہے, میں دیکھ لوں گا ان کو, ہٹا دوں گا منسٹری سے. تو میں نے گورنر صاحب سے کہا, میں نے گورنر صاحب انہیں سنا یہ, اور اس زمانے میں سمیع برنی ان کا پی آر او ہوتا تھا, ڈان کا رپورٹر جو اظہار مسئلہ برنی کا بڑا, وہ آئی سی سی پتہ نہیں ہے کہ نہیں آج کل آئی سی سی ہے. تو وہ اس نے مجھ سے کہا کہ سر توقیر جانے سے معافی مانگتا ہوں. جان میں نے گورنر صاحب سے کہا, گورنر کہنے لگے کہ معافی دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں وہ. اور اس کے بعد شیخ رشید جھگڑا, چیخا پی ٹی وی پہ,
कि पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन स्टेट टेलीविजन है, इसके राइट दूसरे को कैसे चले गए, वापस लाओ और तौकीर जा इस्तीफा दो तुम। इसी पर झगड़ा हुआ था, तौकीर जा का शेख रशीद का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और ये लेकिन भैया बात ये देखिए, ये सलाजी साहब ने बात की नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि कराची स्टेप मदर ट्रीटमेंट देते हैं जो मासेस है ना, जो मासेस होते हैं जो कामयाब कराते हैं। अच्छा कराची, जब कराची अजफर में मासेस के लिए अपने हजार जो जनरल आदमी है हजार, उसका हजार रुपए टिकट रख दिया यार। अब कराची की आवाज कौन उठाएगा? अच्छा आपके पास सिर्फ बताऊं क्या होगा कि महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, इसलिए जो ये इनके अय्याशी हैं दुबई में, वैसे आज बढ़ गई पेट्रोल के प्राइस, बढ़ गए देखिए ना पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, दुबई में इनके अय्याशी हैं, खाना लगा हुआ है, डेढ़ लगी हुई है, पीसीबी का टोला का टोला जा रहा है यार, पूरा पूरा खानदान किया हुआ है, चार चार दुबई, दे आर ऑल गोइंग, मतलब वो क्या है पिकनिक पे है क्रिकेट, दे आर नॉट वॉचिंग क्रिकेट, आई टेल यू ऑनेस्टली। मतलब व्हाट इज दिस? और गरीब आवाम के लिए नोटिस कौन लेगा सर? 1000 नोटिस मैं और आप ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखें एक बात सुने, दिस इज नोटिस सर, दिस इज नोटिस, देखिए प्रैक्टिकल नहीं, देखिए पूछेगा तुम्हारा तुम्हारा जमीन नवाज शरीफ के, आपका जमीन मुतमईन होगा बशीर नवाज शरीफ के, ये लाडले हैं नजम शेट्टी साहब, इल्जाम लगा था कि 35 टिकट सीटें जीता नहीं, 35 पंक्चर लगाए थे, 42 लगाए थे, बहरहाल उनको नजम शेट्टी को बना दिया गया शहरयार को हटा करके। अब शहरयार साहब जो थे वो उनके हाथ में कुछ पुट्टी थे सारा काम, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, अब वहाँ क्या क्या करते हैं मैं सब टेलीविजन पे नहीं कह सकता, वहाँ पे जो ये और इनकी सारी बात ये है कि मतलब आप आवाम को क्यों महरूम रखना चाहते हैं यार, क्या वजह उनका क्या है? और जहां तक भाई जमीन में बताऊं, 1955 में इंडिया आई थी क्रिकेट नेशनल नया नया बना था, पहला मैच था, पहली सेंचुरी बनाई थी, हां बैटिंग विकेट थी, हम गए थे मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर शाहब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, पपीजा भाई थे, हम दोनों गए थे 200 रुपए का टिकट खरीद करके, और जनरल जूप में बैठे हुए थे। सर ये कब की बात है? 1955 इंडिया 1955 और आज आप आज भी बोल रहे हैं कि 200-250 रुपए का टिकट नहीं, तो नहीं, ये 20 ओवर का मैच है, टी20 का वो टेस्ट मैच का सेकंड का था, 5 दिन का था, 5 दिन का मैच था वो। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना आवाज, ये 20 ओवर का मैच है, ये आवाज देखें, ये आवाज असफर उठाएगा, ये आवाज तुमने उठाई है, सलाउद्दीन साहब ने उठाई है, ये खालिद साहब ने उठाई है, देखें इम्प्लीमेंट नहीं लेकिन शोर मचाएंगे, अगर जमीर होगा, जमीर होगा, आज आप अकेले हैं, आज आपके 3 आदमी हैं, कल यही 3 लाख हो जाएंगे, दीगर चैनल आहिस्ता आहिस्ता होता है ऐसी बात। मैं तो आपके तवज्जो से ये बिल्कुल ये बात तमाम चैनल्स को जो कि कमेंट्री कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अर्ज ये भी आवाज जो है कराची को मैच आखिर इतना महंगा क्यों दिया गया? हां जाहिर बात है ये देखिए इफेक्ट पड़ता है, इसको चाहिए कि इनको रिवाइज करें, ये बहुत ही गैर मुनासिब और पब्लिक, इट्स अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली बिल्कुल बहुत अच्छा जुमला है, ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए ना, इस क्रिकेट बोर्ड का काम क्या है, देखे ना प्रॉफिट तो उनको पीएसएल से ऐसा ही आ रहा है, स्पॉन्सरशिप पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट पब्लिक है, दुबई में तो पब्लिक ही नहीं थी, 9 साल के बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट आने की है, ठीक है, फैसिलिटेट करें आप अपने लोगों को बिल्कुल, और उनको यूज मतलब देखे कम टिकट रखते और रीजनेबल लगते, और सर वीआईपीस की वजह से ये जो पैसे देके पास टिकट लेके जाएंगे ये फिर भी रुलेंगे सर, तो आपको वीआईपीस की वजह से बिल्कुल उनको प्रोटोकॉल बंद होंगे, देखिए जाना नहीं होगा, फला सीढ़ी बंद होगी, फला गेट बंद होगा, आपको प्रीमियम से और वीआईपी से इतने पैसे नहीं मिलेंगे, गेट मनी नहीं मिलेगी जितनी ये 5 जर्नलिस्ट को इंक्लोजर से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, और आई कैन भरा होगा, और आप आई कैन बेट यू अबाउट दैट कि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे बिलीव करते हैं तो आई टेल यू ऑनेस्टली अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये इतनी बड़ी जाति की कोई मतलब परसेंटेज वाइज भी कोई नहीं है, और दूसरी बात है बहुत सारी चीजें अवाम के लिए की जाती हैं यार, ये जरूरी थोड़ी है कि महंगाई हो गई, 1950 में ये कीमत थी तो आज महंगाई बढ़ गई है यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैक्स के बेस पर चलता है, वो पब्लिक ही टैक्स देती है, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, थ्रू टूअर्स दबा के लग रहे हैं, फैमिलीज की फैमिली चले रही है, सब लोग घूम रहे हैं, इस पे असफर प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल, और ये प्रोटेस्ट आपने लॉन्च कर दिया है, और आई एम 100% श्योर पीपल आर गोइंग टू हियर यू फॉर दिस मैटर, मैं एक और बात कहूंगा, क्रिटिकल मसले को छोड़ दिया असफर, मैं जिम्मेदार आपने बड़ा अच्छा किया कि सवाल उठा दिया और ये बताया, एक और बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी क्रिकेटर नहीं है, सब नॉन क्रिकेटर है पूरी की पूरी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नॉन प्लेइंग क्रिकेटर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो कि एडमिस्टेड ना, उनको ब्यूरोक्रेसी का भी तजुर्बा नहीं है, उनको हुकूमत करने का भी हाँ उनको नहीं है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अगर अगर अख्तर को भी उन्होंने एडवाइजर लिया वो क्रिकेट वो तो क्रिकेटर है सर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का उसको कोई ताल्लुक नहीं, क्रिकेट वो सिखाएंगे ना,
सिखाएंगे अगर किसी के पास तजुर्बा होता है ना तो आज एक पाकिस्तान के क्रिकेट का यह हाल नहीं होता। ये एकेडमीज वीरान ना पड़ी होती, ये बंजर ग्राउंड ना होता, ये डोसाइल विकेट्स ना होती, ये ऐसी न्यूजीलैंड में हाल ना होता, ये हाल ना होता। ये मैं आपको एक चीज और बताऊं जफर, आप लोग को शायद इल्म होगा, मैं मुझे इल्म था नूर खान से बहुत करीब था मैं। जी जी जी। ICC जो था एक सोशल क्लब था, इसका कोई रूल ही नहीं था किसी किस्म का। लोग बायलेटरल सीरीज सेटल करते थे, बायलेटरल टर्म्स कंडीशन पे ही करते थे। नूर खान ने जब इंडिया का मैच 82 में गावस्कर टीम लेकर के आया और हमने 3-0 मारा पहले, बाद में जो गावस्कर ने कहा इट्स अ मिरेकल वी सेव्ड अ मैच टेस्ट मैच, तो नूर खान ने इमरान ने कहा जाओ स्टेटमेंट दो, मेरे पास इमरान आया घर के ऊपर कि स्टेटमेंट लिखो नूर खान ने कहा। मैंने उसने कहा रात की 11 बजे स्टेटमेंट लिखा, उसने मुझसे कहा कि आप इंडिया के प्लेयर लिखाओ ले और देखो हम कैसे जीतते हैं, ले और इंडिया के प्लेयर। तो नूर खान ने फिर जब सवाल हुआ इंटरनेशनली कि आपने ऐसी कैसे बात की, नूर खान ने कहा कि आप अगर नजर चाहते हैं एक न्यूट्रल प्लेयर करें खत्म करें ताकि ये आउट है नॉट आउट है गलत आउट दिया जाए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज। और एक और कुछ मैं आपको बता दूं, हसीब अहसन सन 55 की जो टूर था हमारा इंडिया का, उसमें बॉलिंग कर रहे थे, हर पंजाबी वो था कहते हैं अंपायर, इनका अंपायर का नाम था इंडिया का नाम, उसका नाम था पंजाबी, वो हर पांचवी बॉल को नो बॉल कर देता था। तो हसीब अहसन बड़े परेशान हुए कि हर ओवर में पांचवी बॉल नो बॉल रही, उसको शक हुआ। फजल महमूद से उसने कहा कि आप मेरे बाजू में खड़े हो जाए, देखिए नो बॉल होती है, नो बॉल नहीं हो नो काम है, तो खड़ा हुआ तो डिलीवर नहीं किया था, बॉल ही नहीं करे, नो का हो गई थी। लेकिन नूर खान ने ICC को फंडिंग कराई और जो आप आज देख रहे हैं तमाम स्पॉन्सरशिप क्रिकेट के ऊपर, ये सब आरिफ अब्बासी और नूर खान का कारनामा है। थोड़ी बात आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन के नॉलेज के लिए, बात ये पहले उसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता था, उसको पाकिस्तान की वजह से नूर खान साहब का उसमें बहुत रोल था, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया था और न्यूट्रल अंपायर्स का जो कॉन्सेप्ट है इसका पायनियर पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, वेस्ट इंडीज की टीम उस वक्त दुनिया की नंबर वन टीम है, उसको रिजर्वेशन थे, तो रिजर्वेशन दूर करने के लिए इमीडिएटली नूर खान ने कहा ठीक है, उसको इंडियन अंपायर्स बुला लिए गए थे, रिपोर्टर रामास्वामी, 86-87 की सीरीज थी और वो सीरीज हमारी इंडियन टीम अंपायरिंग कर रही थी, अंपायर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें एक अच्छा बोर्ड होता था वो, तो ये अब जनरल तौकीर ज़िया के वक्त में भी बहुत अच्छा था, मतलब उसके बाद खराब होना शुरू हुआ, ज़का अशरफ ने कोशिश की, डॉक्टर डिसीजन दी जाते थे, गेंद यहां लग रहा है, गेंद यहां लग रहा है, हां अंपायर ने आउट दे दिया होम सीरीज में, वो पहले की बात है, यहां लग रहा है उस लेकिन ये नहीं होता था, लेकिन न्यूट्रल के बाद जब उस वक्त इतने कैमरास और टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैच रेफरी भी नहीं था, कुछ नहीं था, कंट्रोवर्सी खत्म है, एक न्यूट्रल अंपायर कर रहा है आउट आउट है, उसे भी इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी आई और अब जो रिव्यू सिस्टम आया वो जबरदस्त एक डीआरएस आ गया, नहीं अब क्रिकेट को ज्यादा प्रोफेशनलाइज और जो टेक्नोलॉजी आ गई, अब टेक्नोलॉजी आ गई, उस वक्त जो है विम्स पे चलता था, वो पुराने वक्तों की बात थी, उस वक्त होम टीम को यही होम एडवांटेज कहलाता था और उसके बाद असफर उसका नतीजा ये हुआ, इन तमाम मीजर्स का जो हम बात करें, अब कोई भी जो भी अच्छी टीम होती है किसी दूसरे मुल्क में जाके जीत सकती है, पहले होम टीम को हराना बिल्कुल ऐसा ही होता था कि आप बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ जाओ, बिल्कुल मतलब आप मुझे 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 चांद पर जाने के बराबर था, 13 प्लेयर से खेल रहे होते थे, मुझे याद है कि जब 1978 में जब आसिफ इकबाल की क्यादत में इंडिया टीम गई 79-80 में, तो आसिफ इकबाल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहला स्टेटमेंट ये दिया कि इंडिया हार्ड टू बीट इन इंडिया, कल के मैच की अगर कल जो होने वाला मैच है, कल भी कोयटा ग्लेडिएटर और वर्सेस पेशावर जल्मी है, कल के मैच को किस तरह देखते हैं अभी, क्या स्कोर हुआ वैसे? अभी इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर मेरा ख्याल अभी 3 विकेट पे अगर है तो इसका मतलब स्कोर क्या हो गया यार, स्कोर विकेट पे ही है, अभी विकेट गिरता तो शायद हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती, इसका मतलब है दे आर ऑन कोर्स ऑफ विनिंग दिस मैच, और कोयटा अगर आज का मैच कंफर्टेबली जीत जाता है तो मेरे ख्याल से पेशावर जल्मी को वो हरा, 11 ओवर में 93 रन है और 3 ही आउट है, इसका मतलब कंफर्टेबल, नाउ इज कंफर्टेबल, कल के मैच को देखते हैं पेशावर जल्मी, पेशावर जल्मी से अब ये खालिद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए यही होती है कप्तानी, नवाज को उसने भेजा उसने डिलीवर कर रहा है और ही इज प्लेइंग दैट, कल के मैच का मैं आपसे कह रहा हूं रीशफलिंग, कल के मैच में कोयटा ग्लेडिएटर को वो स्कोर सेटल करना है जो फाइनल में कजाफी स्टेडियम लाहौर का, तो कल उनके लिए मौका होगा कि उस स्कोर को सेटल कर दें और वो बता दें कि जब हमारे फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती है
तो हम कितने अच्छे होते हैं। वहाँ जैसे सलाउद्दीन साहब भी जिक्र कर चुके हैं कई दफ़ा कि कोयटा ग्लेडियटर मजबूर हुई थी लाहौर में पीएसएल फाइनल अंडर स्ट्रेंथ बिलो स्ट्रेंथ टीम खेलने के, उनके फॉरेन स्टार्स नहीं आ सके, लेकिन उसके बावजूद सर 174 रन करना एक बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। उसके आपके चार मेन प्लेयर्स टीम में ना, उसके बाद आप ये 174 रन कर रहे हो। देखिए बात असल ये कि जो खालिद साहब ने बात की, इस वक्त जो है ना कोयटा ग्लेडियटर एक विनिंग स्ट्रीक पे है, टेम्पो उनका बना हुआ है, इसलिए कि सरफराज जिस तरीके से चेंजेस कर रहा है और ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कल भी इन्होंने सही कहा कि वो जो फाइनल का इंतकाम था शायद वो वक्त करीब कल के लिए पेशावर के लिए कितना क्रूशियल मैच है कल का। अगर कल पेशावर हारती है तो वो भी मुश्किलात में आ जाएगी, मुश्किलात में आ जाएगी। और इसमें यही, अभी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लॉर्ड कलंदर्स बिल्कुल बॉटम पे चले जाएंगे। मोहम्मद हफीज के बॉल ना करने से कितना इफेक्टिव हो रहा है पेशावर, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। और दूसरी बात है पेशावर का ये भी सुनिए कि शाहिद आफरीदी को भी वो मिस कर रहे हैं, यकीन है, इसलिए कि शाहिद आफरीदी की जो परफॉर्मेंस जारी है ये जब कराची किंग्स के लिए, ही इज डूइंग रिमार्कली वेल, रिमार्कली अब तक बॉलिंग में उन्होंने किया। और जाहिर सी बात है हफीज की टीम में उस वक्त जगह बनती थी कि जब वो एज ऑलराउंडर खेल, जब ऑलराउंडर खेलते हैं दैट मीन ही यूज्ड टू डू दैट, इसलिए कि बॉलिंग वेल ऑफ्समैन। लेकिन शोएब से बॉलिंग क्यों नहीं कराते, शोएब मलिक तो उसमें मुल्तान कलंदर्स में, मुल्तान सुल्तान है सर वो, मुल्तान सुल्तान है तो ये बात है। तो ये हफीज का जो है ना ये सेटबैक भैलड़, और इसीलिए अब ये देखिए कि उसकी बैटिंग भी खेला जरूर है, वो स्नो स्कोर भी किए लेकिन वो थोड़ा दब के खेल रहा है, उसकी जो मूवमेंट है प्रेशर होगा कि बॉलिंग तो जा चुकी है, अगर बैटिंग में भी परफॉर्मेंस करूंगा तो यस, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और ये 100% ये बात सही है आपकी कि वो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर होगा। कल के मैच के सर बस आखिरी लम्हात चल रहे हैं शो के, कल के मैच के हवाले से जिस फॉर्म में कोयटा ग्लेडियटर जा रही है ना, आज भी आप देख लें कितना सर, मैं तो फाइनल कोयटा ग्लेडियटर और कराची किंग्स का देखता हूं, इस वक्त ऐसा लग रहा है 11 ओवर में 93 का मतलब है कि तकरीबन 8.5-9.5 के एवरेज से खेल रहे हैं आप, 3 विकेटें गिरी हुई हैं, रोक लिया उन्होंने कल के मैच का। कल का मैच मेरा ख्याल है पेशावर जर्मी प्रेशर में कमबैक करेगा, कमबैक करे ना करे लेकिन प्रेशर में खेले, कोशिश उनकी यही होती है कि एक मैच जीत जाए और अपना रिकॉर्ड सही करे। लेकिन कोयटा ग्लेडियटर की जो गुड्डी चढ़ी हुई है, माफ कीजिएगा ये लैंग्वेज इस्तेमाल करो, आम सही लैंग्वेज है, सही है, अवामी लैंग्वेज है सर, गुड्डी चढ़ी हुई है तो उनका मुराल बहुत बूस्ट है। और आप सरफराज को देखें कितने आराम से बैठा हुआ होगा, आप खुद रोक करके दूसरे सर बसंत का सीजन तो लाहौर में है, वो पतंगे कट रही हैं काफी, पतंगे वो तो खैर बैंड हो गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का कहीं आ जाती हैं तो दूसरी बात है लोग थैंक यू अल्लाह कानूनी करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप आए कोयटा इज द फेवरेट है, कल इंशाल्लाह इस बार हाजिर होंगे, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।